आम इलेक्शन के बाद अब बारी है ज़िमनी इंतखाबात की। लाहौर हाई कोर्ट ने चार इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिए हैं। जस्टिस मामून रशीद, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस शाहिद जमील, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ट्रिब्यूनल में शामिल हैं। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। मोहम्मद इशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात तो खत्म हो चुके हैं, अब ज़िमनी इंतखाबात का मौका सरबरान पहुंचा है। तो इस मामले पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद यावर अली ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए चार इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिए हैं और इन इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मामून रशीद और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं, जबकि जस्टिस शाहिद जमील खान और जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल भट्टी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में शामिल हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इशफाक, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।